दोस्तों फास्ट फूड के नाम लेते ही जो चीज सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है वो डोमिनोज का पिज्जा या मैकडी का बर्गर ही होता है। और इसमें भी अगर किसी से इसकी पहली पसंद पूछी जाए तो शायद पिज्जा ही हो। पिज्जा एक ऐसा फास्ट फूड है जिसे लगभग सबने खाया है, पर क्या आप ये जानते हैं कि सबके पसंदीदा डोमिनोज की बैक स्टेज स्टोरी आखिर क्या है? कैसे एक इंसान ने मछली पकड़ कर बेचने से लेकर दिवालिया होने के बाद भी डोमिनोज को इस ऊंचाई तक पहुंचाया? तो चलिए और देर ना करते हुए आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताते हैं डोमिनोज की सफलता की स्टोरी के बारे में। डोमिनोज पिज्जा एक अमेरिकन पिज्जा रेस्टोरेंट चेन है जिसका हेड ऑफिस यूएस में है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन है। इसके फाउंडर अमेरिकन एंटरप्रेन्योर ब्रदर्स थॉमस स्टीफन मॉनिगन और जेम्स मॉनिगन थे। हालांकि कंपनी की शुरुआत के 8 महीनों बाद जेम्स ने अपने शेयर्स बेचकर टॉम के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी थी। वहीं इसके दूसरे फाउंडर थॉमस ही हैं वो इंसान जिसने जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना करके अपनी मेहनत, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता से आज डोमिनोज पिज्जा को इस मुकाम तक पहुंचाया है। थॉमस स्टीफन का जन्म 25 मार्च 1937 में अमेरिका के मिशिगन प्रांत के एन आर्बर शहर में हुआ। उनका एक छोटा भाई जेम्स मॉनिगन था। टॉम के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। सीमित आमदनी में उनका परिवार जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था कि क्रिसमस की एक शाम उनके पिता की मृत्यु हो गई। उस समय टॉम सिर्फ 4 साल के थे। परिवार पर आए आर्थिक संकट की वजह से उनकी माँ उन्हें और उनके भाई को मिशिगन स्थित अनाथालय सेंट जोसेफ होम में छोड़कर नर्सिंग कोर्स करने चली गई। सेंट जोसेफ होम में थॉमस 6 साल रहे। वो सिस्टर मैरी बेराडा के बेहद करीब थे और उन्हें अपनी गुरु और सलाहकार मानते थे। उनके क्लोज होने की वजह से टॉम के मन में कैथोलिक धर्म के प्रति आस्था और चर्च के प्रति प्रेम जागृत हुआ। 6 साल बाद उनकी माँ उन्हें और उनके भाई को वापस अपने पास ले आई। वो नर्सिंग पूरी करके ट्रांसवर्स सिटी के एक अस्पताल में नर्स की नौकरी करने लगी थी। परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए थॉमस सब्जियां उगाकर बेचने लगे। ज्यादा आमदनी के लिए वो मछली पकड़कर बेचने और मिलिकन डिपार्टमेंट स्टोर के सामने ट्रांसवर्स सिटी रिकॉर्ड ईगल पत्रिका बेचने का काम भी करने लगे। माँ से उनके संबंध कभी अच्छे नहीं रहे और दोनों में हमेशा झगड़े होते रहे। आखिर में तंग आकर उनकी माँ ने उन्हें फिर से अनाथालय भेज दिया। अनाथालय में रहते हुए उन्होंने ट्रांसवर्स सिटी के सेंट फ्रांसिस स्कूल से अपनी पढ़ाई जारी रखी, पर उनका लगाव धर्म और चर्च के प्रति ज्यादा था। इस कारण वो प्रीस्ट बनने के बारे में विचार करने लगे। अनाथालय के प्रीस्ट के सामने ये इच्छा जाहिर करने पर उन्होंने थॉमस का दाखिला मिशिगन के ग्रैंड रैपिड्स में स्थित सेंट जोसेफ सेमिनरी में करवा दिया। लेकिन कुछ समय बाद अनुशासनहीनता के दोषी पाए जाने पर उसे सेमिनरी से निष्कासित कर दिया गया। इसके साथ ही उनका प्रीस्ट बनने का सपना भी टूट गया। सेमिनरी से बाहर निकाले जाने के बाद उनकी माँ उन्हें फिर से अपने पास ले आई, लेकिन संबंधों में सुधार ना होने के कारण वो ज्यादा समय तक अपनी माँ के पास नहीं टिके। इसके बाद उनकी माँ ने उन्हें जुवेनाइल डिटेंशन हाउस में डाल दिया, जहां से उन्हें एक पति पत्नी ने बाहर निकाला और एन आर्बर के सेंट थॉमस स्कूल में दाखिला करवा दिया। यहां से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करके मिशिगन के ही फेरिस स्टेट कॉलेज के आर्किटेक्चर ट्रेड स्कूल में दाखिला ले लिया, जहां से वो अपना ट्रांसफर मिशिगन यूनिवर्सिटी में चाहते थे, पर इसके लिए पैसा चाहिए था जो उनके पास नहीं था। इसके बाद उन्होंने 3 साल तक नौसेना में नौकरी की और अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए पूरे $2,000 बचाए। लेकिन एक ऑयल कंपनी के जल्दी अमीर बनिए स्कीम के झांसे में आकर उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी गवा दी। पर जैसे तैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कई छोटे मोटे काम करके पैसे जोड़े और यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, पर वो वहां भी सिर्फ 3 हफ्ते गुजार सके। 1960 में थॉमस के भाई जेम्स को पता चला कि डोमिनिक डिवोर्टी नाम का एक व्यक्ति अपना पिज्जा स्टोर बेचना चाहता है। ऐसे में दोनों भाइयों ने वो पिज्जा स्टोर खरीद लिया और अपने पिज्जा का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने एक फैक्ट्री के 2 बेरोजगार कर्मचारियों को पिज्जा डिलीवरी के लिए रखा। जेम्स उस टाइम पोस्ट ऑफिस में नौकरी कर रहे थे, पर दोनों जगह के संभालने के लिए उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए 8 महीने बाद ही जेम्स अपना आधा व्यवसाय थॉमस को बेचकर पोस्ट ऑफिस की नौकरी में लौट गए। उसके बाद थॉमस अकेले ही कुछ टाइम तक व्यवसाय चलाते रहे। फिर उन्हें नए पार्टनर के रूप में जिम गिलमोर मिले और उनकी मेहनत रंग लाई। और बस 1 साल के अंदर ही उन्होंने यप्सिलांती में अपना दूसरा पिज्जा स्टोर खोल दिया। फिर 2 सालों के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में तीसरा पिज्जा किंग खोल लिया। अपने बिजनेस का ज्यादातर काम थॉमस खुद ही किया करते थे।
इसीलिए उन्होंने जिम गिलमोर को एक पिज्जा स्टोर देकर भागीदारी से मुक्त कर दिया और व्यवसाय का पूर्ण स्वामित्व अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पिज्जा कंपनी का नाम डोमिनोज रखा और कंपनी का लोगो भी तैयार करवाया। लोगो में तीन सफेद डॉट दिखाए गए थे जो उस टाइम की डोमिनोज के तीन स्टोर्स को दर्शाते थे। बाद में कंपनी का ये लोगो परमानेंट हो गया। थॉमस सबसे बढ़िया और स्वादिष्ट पिज्जा लोगों को उपलब्ध करवाना चाहते थे। क्वालिटी उनकी प्रायोरिटी थी जिसे वो बनाए रखने के लिए पूरी तरह से पिज्जा पर ही ध्यान केंद्रित करते थे और अपने मेन्यू में से बाकी सभी आइटम्स हटवा दिए उन्होंने। उस टाइम अमेरिका के बदलते कल्चर और ट्रेंड को देखते हुए थॉमस ये समझ गए थे कि ऐसे परिवार जिसमें पति पत्नी दोनों काम करते हैं और जिनके पास बाहर जाकर खाने के समय की कमी है, उनके लिए पिज्जा की होम डिलीवरी फायदेमंद होगी। और उसके लिए उन्होंने एक ऐसा इंसुलेटेड पिज्जा बॉक्स तैयार करवाया जिसमें ना केवल पिज्जा लंबे टाइम तक गर्म रह सके बल्कि वह कई पिज्जा बॉक्स का वजन भी सह सके और पिज्जा की होम डिलीवरी की शुरुआत कर दी। उनकी होम डिलीवरी की स्कीम काम कर गई और उनका डोमिनोज पिज्जा खूब चलने लगा। साल 1969 तक डोमिनोज पिज्जा के 12 स्टोर खुल चुके थे, लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक भारी मुसीबत आई और उनके मुख्य पिज्जा स्टोर में आग लग गई, जिसके बाद बिजनेस में उन्हें भयंकर घाटा हुआ। करोड़ों रुपए का कर्ज ना चुकाने के कारण कोर्ट ने उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया और बैंक ने डोमिनोज को अपने अधीन ले लिया। इधर बैंक डोमिनोज पिज्जा को बेचने के चक्कर में था, पर कोई खरीदार उसे ले नहीं रहा था और ना ही बैंक उसे ढंग से चला पा रहा था। ऐसे में अपने बिजनेस को बचाने और अपना कर्ज चुकाने के लिए थॉमस के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने बैंक को खुद को ही नौकरी पर रखने के लिए कहा और बैंक ने उसकी बात मानकर उसे $200 प्रति हफ्ता के वेतन पर रख लिया। अब उनका लक्ष्य कंपनी को फिर से खड़ा करना था, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करने लगे। आखिरकार साल 1971 में बैंक ने डोमिनोज पिज्जा को डूबता मानकर थॉमस को एक स्टोर के बदले डोमिनोज के सारे शेयर वापस कर दिए। अब बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले कंपनी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए डोमिनोज पिज्जा के 5 स्टोर अपने प्रतिद्वंदी डेट्रॉइट के डीनोज को बेचे, जिसके कारण डीनोज सबसे बड़ा पिज्जा चेन बन गया। फिर उन्होंने बाकी बचे 5 स्टोर के साथ ही काम आगे बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने पहले बैंक का कर्ज उतारा और फिर पिछली वाली गलतियों से सबक लेकर और भी कई जगह कंपनी के स्टोर को खोलकर डोमिनोज पिज्जा का विस्तार किया। पिज्जा बिजनेस में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए थॉमस ने होम डिलीवरी की सुविधा पर ज्यादा ध्यान दिया और 1973 में एक नई स्कीम लागू की। इस स्कीम में 30 मिनट में पिज्जा डिलीवरी ना कर पाने की स्थिति में ग्राहक को एक पिज्जा फ्री में दिया जाता था और वहीं अगर डिलीवरी मैन टाइम से पिज्जा पहुंचा देते थे तो उन्हें बोनस देकर प्रोत्साहित किया जाता था। यह स्कीम काम कर गई और डोमिनोज ने फिर से अपने ग्राहकों पर पकड़ बना ली। इसके बाद हमेशा ही डोमिनोज के स्टोर्स में बढ़ोतरी होती गई और पिज्जा हट के बाद यह विश्व की सबसे बड़ी पिज्जा चेन कंपनी बन गई। 1983 तक थॉमस इतने धनवान हो चुके थे कि उन्होंने अपने बचपन का सपना पूरा करते हुए अपनी पसंदीदा बेसबॉल टीम डेट्रॉइट टाइगर $53 मिलियन में खरीद ली। उनकी टीम ने 1984 में विश्व सीरीज पर कब्जा जमाया। 1989 में उन्होंने डोमिनोज के प्रेसिडेंट का पद पूर्व वाइस प्रेसिडेंट पी डेविड ब्लॉक को सौंप दिया और खुद कंपनी के सीईओ बने। 1992 में उन्होंने अपनी बेसबॉल टीम भी अपने एक प्रतिद्वंदी एलईएच को बेच दी और अपना अधिकांश समय चर्च संबंधी गतिविधियों में लगाने लगे। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी मेहनत, इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि के बलबूते छोटे से पिज्जा स्टोर को विश्व की दूसरी बड़ी पिज्जा चेन बनाने में सफल हुआ। आज कंपनी के लगभग 6000 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज हैं, साथ ही 64 देशों में इसके स्टोर संचालित हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको डोमिनोज की सफलता की स्टोरी? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप Facebook पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जरूर लाइक करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।